हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू द न्यू एपिसोड ऑफ टीवी न्यूज़, आपको रखे हटके। आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो बिना टाइम वेस्ट करे नाउ लेट्स स्टार्टेड। ये रिपोर्ट जो निकल के आई है वो एप्पल से रिलेटेड है। लीक्स से ये पता चला है कि एप्पल हाल ही में जो एप्पल ने अपने मैकबुक को लॉन्च किया था नवम्बर के टाइम में, अब एप्पल अपने एक न्यू मैकबुक एयर बहुत ही जल्दी लॉन्च कर सकता है और ये Q2 2021 में लॉन्च हो सकता है और इसमें हमें एक न्यू चिपसेट M2 देखने को मिलने वाला है। रिपोर्ट निकल के आई है वो ओप्पो से रिलेटेड है। ओप्पो ने ऑफिशियली अपनी एक ई स्टोर को लॉन्च कर दिया है इंडिया में और इसका नाम जो रखा गया है वो है ओप्पो ई स्टोर। इसमें ओप्पो के 80 प्रोडक्ट से भी ज़्यादा प्रोडक्ट को इसमें सेल किया जा रहा है और जो भी प्रोडक्ट 499 से ज़्यादा के होंगे उन पे फ्री शिपिंग ओप्पो की तरफ से मिल रही है। तो आप अगर कोई न्यू स्मार्टफोन लेना चाहते हैं ओप्पो का तो आप इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं। फिर निकल के आई है अमेजोन के डे सेल से रिलेटेड। अगर आप कोई न्यू स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जैसे कि IQ7 5G जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था, अगर आप वो स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो आप अमेजोन अपग्रेड डे सेल की मदद से इसमें काफ़ी अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। इसमें हमें 4000 तक के डिस्काउंट्स मिलने के ऑफर्स इसमें चल रहे हैं, तो अगर आप इस चीज़ से इंटरेस्टेड हैं तो आप एक बार इस चीज़ को भी जाके चेक कर सकते हैं। जो रिपोर्ट है वो है गूगल की तरफ से। गूगल अपना पिक्सल 6 बहुत ही जल्दी लॉन्च कर सकता है और इसमें हमें एक वाइट ट्रिपल मिड रेंज स्मार्टफोन चिप देखने को मिल सकती है। हाल ही में गूगल पिक्सल 5 लॉन्च हुआ था जो कि काफ़ी अच्छी स्पेसिफिकेशन के साथ में आया था। अब देखना ये होगा कि गूगल अपने पिक्सल 6 को कब लॉन्च करेगा। अगली रिपोर्ट जो निकल के आई है वो 5G नेटवर्क से रिलेटेड है। जैसे कि हम सबको पता है कि 5G नेटवर्क की जो है इंडिया में ट्रायल चल रहे हैं, ऐसे में बहुत सारी टेलीकॉम जो हैं वो DOT का वेट कर रहे हैं कि वो बहुत जल्दी मिड रेंज स्पेक्ट्रम जो है 5G के वो सेल पे लगा दें जिससे वो उस चीज़ को बाय कर सकते हैं। और चाइना के जितने भी विक्टम्स हैं उन लोगों को इस चीज़ की अनुमति इंडिया में नहीं दी गई है कि वो 5G के मिड रेंज स्पेक्ट्रम को बाय कर सकें। रिपोर्ट निकल के आई है रेडमी की तरफ से। रेडमी अपनी एक न्यू सीरीज़ के सीरीज़ के ऊपर काम कर रहा है जो कि न्यू स्मार्टफोन्स अपने लेके आएगी और इसमें हमें रेडमी K40 के गेमिंग एडिशन इन्हेंस मॉडल जो अभी स्मार्टफोन निकले थे उसी के टाइप के हमें इसमें कुछ स्मार्टफोन देखने को मिल सकते हैं जो कि Dimensity 1100 पे बेस्ड होंगे। देखना ये होगा कि रेडमी की ये सीरीज कब तक इंडिया में आती है और किस प्राइस पॉइंट पे ये हमें क्या स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आता रहूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।